हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शेखर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ या पेंट करते हैं। बिगिनर्स जो हैं उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आता है जब वो फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी बेसिक टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ या पेंट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए एंड तक, ताकि आपको पता चले कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करें तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हर समय मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहला टिप ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसका सरफेस जैसा भी हो, आपको उसके ऊपर ये चीज़ देखना होगा कि उसका सरफेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप पेंसिल वगैरह यूज करें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्मूथ सरफेस होता है तो पेंसिल उसके ऊपर नहीं चल पाता है, तो आप बहुत सारे ऐसे मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर डार्क ऑब्जेक्ट है तो आप ग्लास मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, चारकोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ईजिली उसके ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। बहुत बार कैरियॉन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं या कलर्ड पेंसिल भी यूज़ करते हैं, तो वो अलग अलग कलर का होने के कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर ईजिली हम लोग ड्राॅइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि फ्लैट सरफेस हो या राउंड सरफेस हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्लैट वाले भी ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, राउंड वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या करें, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट पे पहले ड्रॉ करने से, कमीशन वर्क पे ड्रॉ करने से पहले, आप अपने घर के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉइंग करके देख लें एक बार। एक तरह का प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपके लिए और आप पहले से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ड्रॉ करना होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नहीं तो अगर आप कमीशन वर्क में फर्स्ट टाइम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो चांसेस हो सकता है बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के लिए कि अच्छा ड्राइंग ना हो पाए, अच्छा पेंटिंग ना हो पाए उसके ऊपर। और अगर कस्टमर को आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया कस्टमर को, तो मे बी चांसेस है कि वो आपको दोबारा उस तरह का काम ना सौंपे, तो ये प्रोफेशनली थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो अगर आप पहले से ड्रॉ कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। फिर आ जाता है कि कलर आप किस तरह का यूज़ करें। तो ज़्यादातर चांसेस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है तो एक्रेलिक वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एनामेल पेंट मैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट वगैरह पे यूज़ करता हूँ। एनामेल पेंट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और वॉशेबल भी होता है, आप काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टे करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकता है एनामेल पेंट। इससे ड्रॉ करना, इससे पेंट करना ईजी तो नहीं है, टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि ऑयल बेस्ड कलर है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप एनामेल पेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल पेंटिंग बन सकता है आपके लिए, और काफ़ी लंबे समय तक वो आर्ट वर्क आपका जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ख़राब नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम साबित हो सकता है आपके लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करना हो। अगर तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, आप उसके ऊपर डायरेक्ट पेंट कभी भी ना करें। पहले हमेशा पेंसिल या किसी भी जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं स्केच करने के लिए, उससे पहले स्केच ज़रूर कर लिया करें। नहीं तो परफेक्शन अगर नहीं रहा आपके पेंट में, पेंटिंग में, तो वो ऑब्जेक्ट भी ख़राब हो सकता है और आपका काफ़ी सारा मेहनत भी बर्बाद हो सकता है। तो आप सबसे पहले स्केच ज़रूर कर लिया करें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करने से पहले। इस तरह का काम जब हमें मिलता है तो बहुत बार बिगिनर्स लोग के साथ ये भी परेशानी आती है कि जो चार्जेस वो लेना उनको होता है वर्क के अकॉर्डिंग, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं सही चार्जेस। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि काम ज़्यादा हो जाता है, चार्जेस आप कम बोल देते हैं तो वो भी आप बढ़ा नहीं सकते हैं बाद में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम कम होता है और आपको देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है और आइडिया आपको नहीं होता है पहले से नहीं करने के कारण, तो चार्जेस आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और वो काम आपके हाथ में ही नहीं आता है। तो चार्जेस हमेशा इस तरह से डिसाइड करें कि वो काम आप पहले से किए हुए रहने के कारण आपको उसका एक्सपीरियंस भी रहता है कि कितना समय लगेगा, और समय कितना लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप चार्जेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सरफेस कैसा है तो कलर और मीडियम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी चार्जेस पे डिसीज़न आप ले सकते हैं कि कितना चार्जेस लिया जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम ही है कि टाइम कितना लग रहा है आपको बनाने में। तो जब भी इस तरह का सरफेस के ऊपर बनाने के लिए आए जिसमें जो ऑयल वेस्ट है, कलर जिसके ऊपर सूखने में काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है बनाने में भी, तो हमेशा पहले से टाइम ले के, एक्स्ट्रा टाइम ले के ही बनाना स्टार्ट करें और कस्टमर को एक दो दिन ज़्यादा ही बताएं, ताकि आप ईजिली उसको ड्रॉ करके ख़त्म कर सकें समय से पहले और कस्टमर को दे सकें। अदरवाइज डेडलाइन से आगे बढ़ जाना वो अच्छी बात नहीं होती है।
इसलिए इसका डिसीज़न आपको पहले ही से ले लेना होगा कि कितना समय जाएगा और कितना चार्जेस उसको उसके अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस ना होने के कारण हम लोग को परेशानी आती है, तो आप ऐसे किसी सीनियर या किसी ऐसे पर्सन के पास जाके हेल्प ज़रूर लें जो पहले से उस काम को कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, तो वो आपको हेल्प ज़रूर कर पाएंगे उस काम में और आप उस काम को अच्छे से कंप्लीट करके अपने कस्टमर को एक सेटिस्फाइड आर्टवर्क दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।